आप अभी BSW का पेपर देकर आई हैं, कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ पेपर। किस तरीके का पेपर था जो आपको अच्छा लगा? मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मेरे इंग्लिश में, और रीजनिंग अच्छी थी तो रीजनिंग में अच्छा है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस पॉलिटिक्स रिलेटेड आए थे तो वो अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि मेरी थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंग्लिश और रीजनिंग के थे, वो मेरी अच्छी गई। चले, आपने 3 सब्जेक्ट को कवर कर दिया, मुझे इस पर बता दीजिए कि सिलेबस क्या है इसका, एग्जैक्टली क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज का और रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, यही। क्वालिटी अलग से है या फिर जनरल अवेयरनेस में ही है? जनरल अवेयरनेस में ही है। जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब आता है तो उसी में ही आ जाता है सब कुछ। चलिए, सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और उनके नंबर्स याद रखना बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो मेरे तो ऐसे करते नहीं। फिर भी ऐसा होगा ना कि कौन से पॉपुलर आर्टिकल है, लाइक आर्टिकल 19 फिगर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, ये बहुत पूछ लेते हैं जी। नहीं, इस बार तो नहीं पूछा। ऐसे एकदम डिफरेंट था इस बार, आउट ऑफ द वे था ना, मतलब जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वैसे नहीं थे। अच्छा, बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया था, और यही चेंज करने का, और करेक्शन, और एंटोनियन सिनोनियम्स पूछे गए थे, बस ये पूछे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया? मैथ से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड, और वो वाले पूछे गए थे, हाँ रिलेशंस वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि ये आपका भाई है, वो आपकी बहन है, पिक्चर से रिलेटेड कर देता है कि ये इंसान इस पिक्चर को पॉइंट आउट कर रहा है, जी किस तरीके से रिलेशन। हाँ एंड अच्छा, जनरल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस में मेजरली कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, लाइक हिस्ट्री में से ज़्यादा पूछा गया है या पॉलिटी में से, या फिर कौन सा? सब बराबर ही पूछे जाते हैं, और पॉलिटी मेन, मेरा तो फोकस पॉलिटी रहता है क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स में जो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हैं उन्हें याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो पहले उसे अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। चलिए, हिस्ट्री में भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दीजिए कि हिस्ट्री, अगर आप रिकॉल कर पा रही हो तो हिस्ट्री में किस तरीके के, कौन से चैप्टर से, कौन से, मतलब ऐसा है कि मेडिवल से, एंशियंट से, या फिर कंटेम्प्रेरी के इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, कुछ भी नहीं? नहीं, मतलब किस तरीके से, फिर भी इन जनरल मैं नहीं, हिस्ट्री के तो। अच्छा, ज्योग्राफी से किस तरीके के क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से बस वो रीजनिंग के ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, वरना ज्योग्राफी का नहीं था। अच्छा, तो इंडियन रीजन से या फिर वर्ल्ड रीजन से? नहीं, इंडियन रीजन से जी। अच्छा, आप बात करते हैं करंट अफेयर्स के, क्या करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन आए थे? आया था। किस तरीके के? नवाब सलाम जो भी बने उन पे आया था, बस यही आया था एक करंट अफेयर। जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जामिया से रिलेटेड था कि एक कोड दिया था, वो किसने लिखा है जामिया को, तो वो वाला आया था। अच्छा, जनरल नॉलेज में मिसलेनियस काइंड ऑफ कोई क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग, या टॉलेस्ट ये कोई इमारत वगैरह? नहीं, ऐसे तरीके का कुछ भी नहीं, अभी नहीं पूछा है। ओके। अच्छा, तो पूरा पेपर MCQ पैटर्न में होता है या सब्जेक्टिव भी है? नहीं, MCQ पैटर्न में ही रहता है 100%। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25% होती है। अच्छा, इस पूरे टाइम में 1.5 घंटे का टाइम होता है, इसमें टाइम को कैसे मैनेज करें विद ऑल सब्जेक्ट? मैं तो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लेती हूँ, और फिर जितना मुझे आता है मैं पेंसिल से कवर करके और जल्दी जल्दी मार्क करती रहती हूँ। अगर मेरे पीछे के क्वेश्चंस मैं देखती हूँ कि मुझे ज़्यादा आते हैं तो मैं पीछे के करती हूँ जल्दी से, आगे के बाद में करती हूँ क्योंकि वो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, और रिलेशंस वाले भी मैं बाद में करती हूँ क्योंकि वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए मैं वो बाद में करती हूँ। पहले मैं उस पेपर की तैयारी के लिए कितने दिन की ज़रूरत है, कितने महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए? वैसे तो अच्छे खासे टाइम लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं, देर तक बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो 1 महीना इज इनफ। ओके। अपने एक्सपीरियंस अपकमिंग एस्पिरेंट को कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि पॉलिटी में अच्छा करना, और इंग्लिश तो अगर अच्छी है तो वह इंग्लिश तो कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी है, और रीजनिंग बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल रीजनिंग थी, मेरे तो सारी रीजनिंग्स मैंने करी, और बस यही कि मेन पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से करना चाहिए। चलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ये सेकंड टाइम है जब BSW जामिया में आया है और इसका सेकंड एंट्रेंस है, तो आप जामिया BSW के स्टूडेंट बने इंशाल्लाह।